अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ हब का लाइव ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ फ़ज़ा ज़ैनब। नाज़रीन, इस वक्त हम गटियार कॉलोनी नूरबाग में मौजूद हैं। चूँकि आप सब जानते हैं कल रात देर गए एक भयानक आग लगी और भयानक आग के चलते लगभग 20 रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो गए, वो कम्प्लीटली खाकस्तर हो चुके हैं। जिस तरीके से हमने फायर एंड इमरजेंसी के ऑफिशियल से बात की तो उनका कहना है कि 20 स्ट्रक्चर जो है वो राख हो चुके हैं, जिसमें से एक रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो 3 स्टोरी था और बाकी बच्चे जो है 2 स्टोरी और सिंगल स्टोरी था। इसमें ये भी आपको बता दें, चूँकि यहाँ जो इन मकानों में रहने वाली फैमिलीज थी वो लगभग 30 से ज़्यादा के आसपास की फैमिलीज है, स्टिल काउंटिंग। और आप देख सकते हैं, मेरे पीछे कैमरामैन को बताना चाहूँगी, थोड़ा सा पैन करके दिखाएं कि छत तक नीचे आके गिर गई है, इतना जो है जल चुके हैं और जल के राख हो चुके हैं इनका सारा सामान। यहाँ तमाम लोग जो आसपास है वो बहुत गमगीन हैं, बहुत दुख है उन्हें, चूंकि उन्होंने अपने आंखों से अपने मकान जो है जलते हुए देखे हैं। आसपास जो है सारी ही चीज़ें जल के राख हो चुकी हैं, इनके छत तक जले हैं। आप थोड़ा सा कैमरामैन से बताना चाहूंगी कि वो राइट साइड में दिखाएं। ये देखिए, ये तमाम लोग जो कि यहाँ के रिहायशी है वो सारे बाहर आ चुके हैं और वो एक पछताने की घड़ी है। और आपको यहाँ ये बता दें, चूंकि हम सबको होशियार रहने की जरूरत है, लगातार हम देख रहे हैं आग की वारदात बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि एक मकान में शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसी के चलते ये तमाम घर जो है खाकिस्तर हो गए। ये एक की गलती की वजह से जो है सारे घर जल गए, सारे मकान जल गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के रेजिडेंट्स जो है वो अपना घर होके भी जो है अभी बेघर हो गए। तो यहाँ पे ये लेडीज भी जो है ये भी यहाँ रो रही है और गमगीन है कि आखिर इन्होंने भी तैयारियां की थी, आखिर इनके भी घर में सामान था, दुल्हनों की तैयारी चल रही थी। चूंकि यहाँ हमने जब रेजिडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ शादियां भी होने वाली थी ईद के बाद, तो उसके लिए ज्यादा दुख इनने उसका भी है। क्या दिल गांधी बस रात को टिप टिप बस थोदे तो मे अथ मकान नार मीन मे दि अगे क्रखि मन दबर नीरु नार सो तुम सर्स नार जो गर ऐसम दोनवे गर हर तोदम बन तोदम कोर ऐसम जादा पेन तन सोदम मे कहें डोख सहार पत्क मे खा डल वेज मुलिम दून सत सा तनखा बह कूत कर तो बह कत बनो नो तो बह क्या कर मे क्या मे नूद बह कत बेहम दह निबे मे तन ओर योर तो रात कत गोर बाजर कोर बाजर कत गो रात क्यूत खुद ओ मे पानस तोर वर्दन अन जादा सर मेरे कन वे क्या करो क्या खानदर मन तनित वन घरन खानदर तो क्या वे क्या करो खानदर क्या करो तो वे जाय रो कैंप लगोमुत डोनेशन कैंप सारी कर मदद तु बन तुंद घर बन तु बचे कम वे रूद मी कूरी कत ग लुकन वनसानियत ईत कि डोनेशन कैंप नोत सारी कर कॉन्ट्रब्यूट पान तो तुह बनो बे घर तुम्हु तमिक टेंशन हेन जरूरत वह क्या करो खुद वे करम करो तु वो योतान सीन कत तो वात नर ब्रोतान तु वो योतान अस निशन सीन कत तो वात मीडिया के जरिए ब्रोतान अस रूद नहारा अस रूद नहारा अच्छे दून सत सापे तनखा अच्छे सफाई कर सर्स दुनिया त्या गो खुद वो पाई रात कल गो नार टिप टिप थोद अत बुल सर्स हतमुत तो वो
नाजरीन यहाँ मैं आपको बता दूं, चूंकि इन्होंने बाहर जो है नूरबाग में ही और मेन रोड पे इन्होंने डोनेशन कैंप लगाया है। आप सब अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस की इन्हें जरूरत है, तो यहाँ पे हम कोई भी बैंक डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं। आप वहां पे आ सकते हैं नूरबाग मेन रोड पे, वहां पे आप जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इनकी कर सकते हैं। वहां पे आप जो है आपको किसी भी तरीके की हेल्प करनी होगी, आप वहीं आ सकते हैं और वहीं इनकी हेल्प कर सकते हैं। कहीं पर्वाई सारी तह सूख सारी तह सोन टेंशन हेन जरूरत कह मकान गो मगर सारी तह सन नए सर बन मकान तु बचे गरीबी मन सम्रोम गोस फूत वो कहो करूत पुलान मगर अगर बीन जाय बन गए तथ मुतमिन कराब कि मी कूरी वो गो दून सत सा रोप मे खानदार तनखा तो बह कूत कर तथ पे व तो कैमरामैन से बताना चाहूंगी, वो थोड़ा सा आपको व्यू दिखा है इनके किचन का। इनका किचन का सामान जो है वो पूरा जल के राख हो चुका है। ये जो कपल होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो बड़े ही प्यार से इस घर को सजाते हैं, बड़े ही प्यार से इस घर में जो है चीजें लेके आते हैं, उनको सजाते हैं और एक मकान को घर बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सारी चीजें जो है जल के राख हो चुकी है। तमाम लोग जो आसपास है वो तमाम लोग गमगीन हैं। तो यहाँ एक और रिहायशी हमारे साथ मौजूद है। तु वन तो ये क्या दलील गई, मतलब लगातार नार हर कुछ रात वो अस राजौरी कदल तत् लोग नार ओतर लोग बारजुला तु वन थोड़ा क्या जी क्या नार क्या शिंगित रात लग भग बजे ये जजे तो अस वो ब्रो ये मकान ये लोग नार मे बचे जंगित अंदर कन यो दिस क्रेक दुख नार लोग बहुत थोद मे कड़ पाल पुन नबर कुन मे दो वन ये दोद तो दोद वह बचा बहु पी फैमिली बहुत दिवान दून सत सत रुपये तनखा बहुत डेली वेजेस म्यूनसपलटी मे गई बहवरी वन चुना कह सहारे वन चुस गवर्नमेंटस कर अपील अगर अच्छे मदद कर दरा इंसानियत बस बाकी नहीं क्या हेको वन इनशा गवर्नमेंट तर मदद लूख तदद सारी कर मिलकर मदद तुम मह हरू हमत ये यहाँ नाजरीन जो भी लोग यहाँ हैं, जो भी रिहायशी आसपास है, सब रो रहे हैं, सब गमगीन हैं, सब परेशान हैं। आखिर जाए तो जाए कहा, अगर दिन में यहाँ बैठा जाए तो रात में बिना छत के जाए कहा। फैमिली बसा ये घर हेरू बहु बस बनस बसा ब्या फैमिली दोनव फैमिली तुम दिव नजर यह त्रव त्रे पोर लग भग यह त्रेव पोर पे सोरे जमीन पे पत्थर तुम दिव नजर हेर पे बोन तक रूद मतलब मे क्या बची बेकिस खानदर तम सुद जायदाद क्या क्या वह कर दिखा मे वो हिजी कथ गमेंटस बह क्रा अपील बम पब्लिकस अगर मे दरा इंसानियत कह मदा कर खुदा तसूल थे तुम वार वे शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ इनसे भी बात की, ये भी कह रहे हैं कि अगर मदद हो सके, जो भी पॉसिबल मदद हो सके इनकी मदद करिए। अभी चूंकि इनका सारा सामान खाकिस्तर हो चुका है, इनकी छत आके नीचे गिर गई है। तो नाजरीन यहाँ पे इनके रिलेटिव्स आए हुए हैं, सब अभी इन्हें तसली दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वह गवर्नमेंट के लिए एटलीस्ट अगर इसके लिए अवेयरनेस कैंप्स होते, अवेयरनेस कैंप्स की वजह से लोग भी समझ पाएंगे कि अगर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उससे बचने के लिए, आग ना लगे प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। एटलीस्ट लोग जब अवेयर हो जाएंगे, लोग जब एजुकेट हो जाएंगे इस चीज को लेकर, तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। जब
पता है कि लगातार आग की वारदातें बढ़ रही है, क्या अवेयरनेस, प्री अवेयरनेस जरूरी नहीं है, प्री इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है? एक शॉर्ट सर्किट जब होता है लोगों को पता होना चाहिए कि इसका प्रिवेंशन क्या है, उस टाइम पे क्या किया जाए। फायर एक्सटिंग्विशर जो है होने चाहिए, एटलीस्ट गवर्नमेंट अगर ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो प्रोवाइड करती ऐसे एरियाज में जहां पे जो मकान है साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ है, जहां पे फायर गैप नहीं है, कम से कम वो मकान जो है इतने नहीं, इतना नुकसान नहीं होता, इतने मकान जल के राख नहीं हो जाते, कम से कम नुकसान हो जाता। तो तमाम यहाँ जो पूरा मोहल्ला है वो पूरा मोहल्ला आज गमगीन है, यहाँ जो रिलेटिव्स इनके आए हैं वो भी सब रो रहे हैं, क्योंकि नुकसान ही इतना बड़ा हुआ है। यहाँ की, यहाँ इनके बच्चों की शादियां होने वाली थी ईद के बाद, आप सबको बता दें, लेकिन अब वो शादियां भी अंजाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास अब चीजों का तो छोड़िए, इनके पास अब घर भी नहीं बचा, इनके पास छत नहीं बची अपने घर कि ये घर होके भी बेघर हो गए। आपको आसपास का पूरा माहौल दिखाते हैं, कितना गमगीन माहौल है, ये बच्चे बेचारे भी बेघर हो गए, ये बच्चे बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन ये बच्चे बेचारे भी बेघर हो गए। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, क्योंकि बाहर आने का यही मकसद है, आपको दिखा दें यहाँ पे इन्होंने डोनेशन कैंप्स लगाए हैं, जहाँ पे ये लोग आपसे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कहेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप अगर मदद करना चाहते हैं तो यहाँ आके आप मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तमाम जो ट्रांसपोर्ट यहाँ से चल रहा है, जो लोग यहाँ से चल रहे हैं, राह चलते लोगों से जो है गुजारिश कर रहे हैं कि इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लोग अभी पैसा जमा कर रहे हैं इन लोगों के, जो है इन लोगों की मदद हो सके, ये लोग फिर से मकान बना सके। मदद आसन बिचार मजूर तबक सारी ग नाव शेख कॉलोनी वन वन ग मदद वदद कर असल पे बिचार गरीब मजूर इन दोस वोस नकद क्या अन सामान तटने कहें वो गि मदद आसन बिचार असल पे बिस्तर ना पलव अत छत कहें तल पे दकान अ। तो जैसे कि इनका कहना है कि पूरा जल के राख हो चुका है, इनके पास कुछ नहीं बचा है, अब यही फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं। जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं आप देख सकते हैं कि रास्ते पे जो है ट्रांसपोर्ट को रोका जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी जो है फाइनेंशियली हेल्प कर सके। इन्होंने भी कहा है और जो फैमिलीज है उन्होंने भी कहा है कि ये गरीब तबके के लोग है, ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते है कि ये अपने घर दोबारा बना सके, अपना मकान दोबारा बना सके। तो यहाँ आप देख सकते है लोग यहाँ पे जो है कपड़े दे रहे है, पैसे दे रहे है। यहाँ पे इन्होंने जो है ताजियत कमेटी है, इन्होंने अकाउंट नंबर भी यहाँ देके रखा है, आप सब इन्हीं अकाउंट नंबर से जो है इनको पैसे भेज सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस कर सकते हैं इनकी। तो यहाँ पे ये जो पैसे जमा कर रहे हैं इनसे बात करेंगे, ताकि मदद रात पे फाक इंदे खतरे जमा इन दिमो शाम बत वस बन द्रो न कहीं पलो कर जमा सर पार्टी आई योर मदद नास सिर्फ करो करो तो करो कहें गवर्नमेंट ऑफिशियल आया? हाँ आया, पता नहीं वो कौन था, आया दो चार, मगर मदद किसी ने किया। चलो आप अभी इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग, लुकान वनान इन कर मदद भरपूर, इन रूद कहें तु दू इन नजर ग यह गलत कहें अपुस कहें तु हूँ घर दिन द्रो नहीं कहें कल लागत तीस लागत बस। तो यहाँ जैसे ये भी कह रहे हैं कि बच्चा कुछ भी नहीं है, जो पहने कपड़े हैं बस वही है उनके पास और कुछ नहीं है। आप सब लोगों को फिर आगाह कराते हैं कि आप सब लोगों को जो है अब अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि सब अपने अपने घरों का ख्याल रखें, आप शॉर्ट सर्किट्स का ख्याल रखें, जहां पे ऐसा लगे एटलीस्ट आप खुद भी प्रिवेंट कर सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे इनकी मदद करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम अगर भरपाई होगी थोड़ी बहुत तो वो हो जाए। आगे भी आप तक रिपोर्ट।